वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं। यूजुअली आज का टॉपिक है आपका पार्ट 8 2013 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, स्क्रीन विजिबल शो हो रहा है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। वेरी गुड आफ्टरनून रागिनी, पुनीत, नीलम, श्रेया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ रागिनी बस अभी फ्री हुई हो। 2013, ठीक है, वो भी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पीजीटी। बताइएगा आपके पीजीटी में कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। पार्ट 8 है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 आपने मिस कर दिया तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम ही है प्रवक्ता भर्ती 19 2000 से लेकर के 2021 तक के सारे पीओआई के। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है, बेसिकली थी कौन, उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुका है। देखा है आप लोगों ने मूवी निर्जय भनोट, ठीक है, प्लेन क्रैश हो जाती है, देन ये बहुत लोगों को बचाने के चक्कर में सबको तो बचा लेती है, बट एट ऑफ द एंड इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर, वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, भरत मुनि ने, वासन ने, मार्कंडेय मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। शांत रस जिसका जिक्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मार्कंडेय मुनि का है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें जिक्र मिलता है, तो इसका डिस्कवर खोज किए थे अभिनव गुप्त ने। मृगनैनी का महल कहाँ पर स्टेबल है, मृगनैनी का किला क्या है, मृगनैनी का महल तो ये है बेसिकली ग्वालियर में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, राधाबाई सुब्बाराजन, सरोज मिलियन, मैथ्यू अन्ना जॉर्ज, ये फिर सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहा जाएगा सरोजनी नायडू को, ठीक है, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदी की सबसे बड़ा जो स्कल्पचर्स है, सबसे बड़ी मूर्ति वो कहाँ पर है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति अजंता, एलोरा, खजुराहो या फिर बाघ। तो नंदी की बेसिकली सबसे बड़े जो स्कल्पचर्स मिले हुए हैं वो है खजुराहो में। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था, यामा, चिदम्बरा, यायति या फिर गढ़देव। तो सभी को बताया ना चिदंबरम, ठीक है, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन, पाव पार्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी, बेसिकली एक सेकेंड रुकिएगा, रुकिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉप आर्ट की शुरुआत किस प्लेस में हुई, तो ऑलरेडी आपको पता है ना, स्टार्टिंग तो इंग्लैंड में हुई थी, बट फ्लोरिश होके ये 10 साल के बाद अमेरिका स्टेबल होता है 1950 से 60 के ड्यूरेशन में।
1950 में तो फ्लोरिश पहले स्टार्टिंग होता है इंग्लैंड में, 60 में ये फ्लोरिश होकर के प्रॉपरली अमेरिका में स्प्रेड होता है, जिसके फाउंडर एंडी वरहॉल कहे जाते हैं। चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त किया गया था, बेसिकली कितने पार्ट में चित्र सूत्र को डिवाइडेड किया गया था? चित्र सूत्र बताइए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि का है, उसी का लेसन है 35 to 43, 35 to 43, दैट मीन्स टोटल 9 लेसन, ठीक है, जिसका नाम है चित्र सूत्र। वॉश चित्र पद्धति के जन्मदाता कौन था? वॉश पेंटिंग की जाती है वॉटर कलर से, नंदलाल बोस, रवींद्रनाथ मजुमदार, रवींद्रनाथ टैगोर या फिर रवींद्रनाथ टैगोर? वॉश चित्र पद्धति के जन्मदाता कहे जाएंगे रवींद्रनाथ टैगोर। एक फेमस स्कल्पचर है अपोलो एंड डैफने, किसकी है ये मूर्ति? बर्निनी, दोनातेल्लो, मैसाचियो, पाओलो कोएल्हो। अपोलो एंड डेफने है, बर्निनी, बर्निनी वाज अ वेरी पॉपुलर बरूक आर्टिस्ट, ठीक है, बरूक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, बरूक मूर्तिकार। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बनी, बेसिकली गौतम बुद्ध का जन्म स्थली है कहाँ? तो देखिए लुम्बनी में पैदा हुए थे, सारनाथ में इनको प्रथम उपदेश मिला था, बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनकी डेथ मृत्यु जो होती है वो कुशीनगर में होती है, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेवेज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? गुलबदन बेगम, सुलेमान मिर्जा, मिर्जा हिंदाल या फिर अब्दुल रहमान खानम खाना? अब्दुल रहमान खानम खाना ने, ठीक है। चलो सभी लोगों का सिरजीव पुनीत रागिनी एवरीवन, सबका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? गोपाल सिंह नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय या फिर हरिवंश रॉय बच्चन, जय शंकर प्रसाद? कामायनी के रचयिता कौन थे? कामायनी किसकी थी? जय शंकर प्रसाद की थी या हरिवंश रॉय बच्चन की थी? जय शंकर प्रसाद। व्योला सेज लॉक कर दिया जाए आपके क्वेश्चन के आंसर को, कामायनी हो गया, लेकिन इनका तितली करके भी तो था जी। बिल्कुल ये है जय शंकर प्रसाद की। न्यूज़पेपर के कॉलम की चौड़ाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5 या फिर 4? 5 या 6? 4.5 सेंटीमीटर। मोलाराम कौन थे? मोलाराम, जोलाराम, मगधराम, ये सभी फेमस आर्टिस्ट हैं गढ़वाल शैली, लाइक पहाड़ी स्कूल के। कुतुब मीनार का स्टार्टिंग बनवाने की शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? पृथ्वीराज कपूर एक नेता थे, व्यापारी थे, आर्किटेक्ट थे या फिर अभिनेता थे? कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभिनेता थे? एंड रागिनी, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कर दी। हाँ बिल्कुल अभिनेता थे, ठीक है, एक्टर। जैन चित्रकला को और किस नाम से एक्सप्लोर किया जाता है? तो जैन को बेसिकली पोथी चित्रण भी तो कहा जाता है, ठीक है। नो डाउट जैन को, देखिए पोथी चित्रण आपका पाल हो जाएगा, पाल, बट ऑप्शन में पट चित्र भी है, लघु चित्र, तो लघु चित्र भी पाल से ही शुरू होता है, लेकिन एग्जामिनर ने सही कराया है लघु चित्रण, क्योंकि पोथी चित्रण बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द पाल स्कूल। नो डाउट मिनिएचर पेंटिंग की भी शुरुआत होती है पाल स्कूल से, पाल और अभ्रंश दोनों को ही मिनिएचर स्कूल का एक दर्जा दिया जाता है, लेकिन पोथी चित्रण दोनों जगह, ठीक। हाँ बिल्कुल वेरी गुड, एग्जामिनर ने इनका पोथी चित्रण नहीं लघु चित्रण सही कराया है, बिकॉज ऑफ दैट राइट आंसर कनेक्टेड टू पोथी चित्रण पाल स्कूल। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन थे? विच वन इज जर्मन फिलोसफर, जर्मन दार्शनिक कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बॉमगार्टन या फिर क्रोचे? क्रोचे तो इटली के थे, अल्बर्ट ड्यूरर नो डाउट जर्मन के हैं, बट ये एक दार्शनिक फिलोसफर नहीं है। बॉमगार्टन ही वॉज बिलोंग टू
एस्थेटिक आर्ट, फादर ऑफ एस्थेटिक भी इनको कहा जाता है। एथिक, लॉजिक और एस्थेटिक की थ्योरी भी इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएस बेंद्रे क्या थे, मूर्तिकार, छापा चित्रकार, चित्रकार या फिर थिएटर आर्टिस्ट? नारायण श्रीधर बेंद्रे एक फेमस आर्टिस्ट है। ठीक, वेरी गुड। हाँ पुनीत, बिल्कुल, रागिनी सिरजू, एग्जैक्टली, एक फेमस आर्टिस्ट में कलाकार। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नेक्स्ट वन, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ से कंप्लीटेड हुई थी? शांतिनिकेतन, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर श्रीनिकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? तो ऑलरेडी आपको पता है राम किंकर बैच मेंशन किए गए हैं। ठीक, शांतिनिकेतन 1910। ओके पुनीत, शांतिनिकेतन। ठीक है, नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं ये, राघव राय जाने जाते थे। ही वाज अ वेरी पॉपुलर फोटोग्राफर। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है? बेसिकली लेखक पूछे जा रहा है, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रूपिका चावला, कल्पना चावला या फिर दीपिका चावला? कल्पना चावला। निर्मला किसकी है? निर्मला जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, अमृतलाल नागर की या फिर भगवती चरण की? निर्मला प्रेमचंद्र। फिर जो प्रेमचंद्र बोल रहे हैं, नीलम बोल रही हैं, जयशंकर प्रसाद। चलिए अब इसको फाइनल कर दिया जाए, इनका राइट आंसर है क्या? देखिए निर्मला हो गया, गबन गोदान, ये सब प्रेमचंद्र की है। और एक बात बता दे रहे, निर्मला जयशंकर प्रसाद की है एक्चुअली में, बट यहाँ पे प्रेमचंद्र एग्जामिनर ने पता नहीं क्यों सही करा दिया है। वैसे तो निर्मला है तो जयशंकर प्रसाद की। भारतीय चित्रकला के रंग विधान किस भाग में? रंग विधान मीन्स कलर स्कीम, दैट मीन्स वर्णिका भंग, पैलेट ऑफ कलर स्कीम यूजेस ही है। एंड चित्रनाथ मजुमदार को कहा जाता है, चित्रनाथ मजुमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसायन चित्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं? चित्रनाथ मजुमदार को संत चित्रकार कहा जाता है। कौन वॉश चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? वॉश के लिए बद्रीनाथ आर्य भी फेमस है, हरिहर लाल मेड भी, सुखबीर सिंह सिंघल, यूपी के आर्टिस्ट है तीनों। बट एज यू शिखंडे, ये आपके एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से ये मूर्तिकार है। रॉडिन क्या थे, चित्रकार, मूर्तिकार, थिएटर कलाकार या फिर फिल्म मेकर? ऑलरेडी आपको पता है रॉडिन एक फेमस मूर्तिकार है। संगीत नाटक एकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1959 का ड्रामा संस्था का स्थापना हुआ था, 1954 में साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का स्थापना हुआ था और संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953। ठीक है, बिल्कुल। सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस नोबेल को, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दो बार मिला था? मैडम क्यूरी को, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेनरी ड्यूनियन या फिर गॉरिबाल्डी? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दो बार नहीं मिला है, मैडम क्यूरी को दो बार मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को एक बार मिला था 1913 में उनकी गीतांजलि पुस्तक पर। कला समीक्षक से कौन संबंधित है? केस कुलकर्णी एक आर्टिस्ट है, रामेश्वर ब्रूटा भी आर्टिस्ट है, हिम्मत शाह एक मूर्तिकार है, बट रतन परिमो ही वॉज अ वेरी पॉपुलर आर्ट क्रिटिक, ये कला समीक्षक कहे जाएंगे। सिरसा का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिरसा का प्रसिद्ध मकबरा कोलकाता, दिल्ली, अजमेर या फिर सासाराम? सिरसा सूर्यकाष्ठभुजी मकबरा सासाराम है। बनी ठनी किस चित्र शैली की पेंटिंग है? बनी ठनी बॉश टेक्निक है, लोक शैली, लघु चित्र शैली या फिर फ्रेस्को
बनी ठुनी वेरी पॉपुलर पेंटिंग लघु मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है राजस्थानी की किशनगढ़ स्कूल का। किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां भी निर्मित किए थे? जगमोहन चोपड़ा, सोमनाथ हो, देखिए जगमोहन चोपड़ा कोलियोग्राफी के लिए फेमस है। कृष्णा रेड्डी हो जाएंगे आपके इनके विस्कोसिटी के लिए। दीपक बनर्जी ऑल्सो वेरी पॉपुलर प्रिंट मेकर, यहाँ से बिलोंग करते हैं, बनारस से। इनका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। एस बालचंद्र कौन थे? बालक के पास क्या था? वीड़ा था, ये सारंगी था, वीड़ा था ना। इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे ही तो याद किया है। तो एस बालक था, उसके पास वीड़ा था हाथ में, बालचंद्र वीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? पीतल की नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को, राइट? बिल्कुल, मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? अकबर जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? एक्साइटेड, लाइक पेंटिंग को प्रोत्साहित, जाहिर सी बात है जहांगीर कहेंगे क्योंकि इन्हीं टाइम ड्यूरेशन का पेंटिंग का गोल्डन एज कहा गया। सिंधु से अकबर, भाई अकबर के टाइम में शुरू हुआ था, प्रोत्साहित जहांगीर ने किया। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? संत रैदास के गुरु का नाम था रामानंद। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किए थे? सनफ्लावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, वैन गॉग की है। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? लाल किला, दिलवाड़ा का किला, इंदौर का किला। जहांगीर के बेटे शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, जिनको रेड फोर्ट कहा जाएगा। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? अंजलि इला मेनन, नानजी पटेल, अवतार सिंह पवार या फिर सतीश गुजराल? सबको ध्यान में रखना है, भाई पूछे जा रहे हैं। सतीश गुजराल के ब्रदर इंद्र कुमार गुजराल, उनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। वी कुंजमणि फेमस थे, तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक या इनमें से कोई नहीं? बताइए वी कुंजमणि किस लिए फेमस थे? तबला वादक के लिए, बांसुरी वादक, ये थे तबला वादक। सभी लोग श्योर हैं? चलिए ठीक है। वी कुंजमणि बांसुरी वादक के फेमस थे, ठीक है। और एस बाल वाले जो है, एस नंद बाल करके क्या नाम था, बालचंद्र, और वो वीड़ा के लिए फेमस थे। बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री, कला रत्न या फिर कला श्री? तो बद्रीनाथ आर्य को कला के स्थान पर जो सर्वोच्च अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया है वो कला रत्न अवार्ड मिला है, राइट? बिल्कुल, सिर्जू एंड रागिनी पुनीत गोल्ड कला रत्न अवार्ड से इनको अवॉर्डेड किया गया है। भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन थे? एस एस रजा, जे स्वामीनाथन, के एस कुलकर्णी या फिर मंजित वर्मा? भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक, जे स्वामीनाथन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1913 से 1929, 1931 या फिर 1941? 1929? Really? 1929, जब देव प्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय में स्ट्रगल एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं, उसी टाइम में ऑस्कर अवार्ड भी मिलना शुरू होता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1932, 1954, 1945, 1947? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1954। देव प्रसाद राय चौधरी एज ए मेंबर वहां पर इनरोल्ड होते हैं।
बिहू डांस, बिहू नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है कहाँ की? असम की। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर है? मिर्जापुर में। खनिज रंग में वाइनर मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट अलसी के तेल, तारपीन के तेल या फिर प्राकृतिक ग्लू। खनिज रंग में एज ए बाइंडर उनको बाइंडिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ग्लू। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? अलसी का तेल नहीं होगा बेटा, नेचुरल ग्लू होगा, प्राकृतिक ग्लू, क्योंकि खनिज रंग तो मिनरल्स कलर्स हो गए ना जो जमीन से प्राप्त होते हैं, गेरू, रामराज, खड़िया, संखिया, सिपिया, ये सारे कलर्स। प्रिंसिपल ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये जहांगीर आर्ट गैलरी के बिहाइंड है, ये जे स्कूल ऑफ आर्ट, कृष्णा आर्ट गैलरी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बताइए, जे स्कूल ऑफ आर्ट के पास नहीं है, जहांगीर आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी भी मुंबई में है और जे स्कूल ऑफ आर्ट भी है, लेकिन नियर अबाउट जहांगीर आर्ट गैलरी के पास है। टर्नर किसके लिए प्रसिद्ध थे? एक फेमस भूदृश्य चित्रकार कहे जाएंगे। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया था? विकास भट्टाचार्य ने सरलिज्म आर्ट, अति यथार्थवादी में सरल की पेंटिंग्स को कॉपी कर रहे होते हैं। अग्निपथ किसकी रचना है? अग्निपथ सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश रॉय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए कितने लोगों को लगता है कि हरिवंश रॉय बच्चन? 57 का क्या आंसर कर रहे हैं? विमला सर, ठीक है, करेक्ट आंसर है हरिवंश रॉय बच्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किसी किसी प्रैक्टिस में डी सही होता है, बट डी डेफिनेटली रॉन्ग है। चाणक्य किस लिए फेमस थे? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र था ना चाणक्य का। ललित कला में कौन से ऐसे तत्व हैं जो रूप से प्रयुक्त नहीं होते? बताइए, तानपो, त्रिआयामी या फिर लय? सिरजू, नीलम, रागिनी, कुनी, क्या आंसर कर रहे हैं? मूवमेंट, लय, लय, ध्यान रखिएगा। पूछा जा रहा है ललित कलाओं में, निम्नलिखित में से ललित कलाओं में कौन सा तत्व एक तत्व समान रूप से उत्पन्न होता है? तो समान रूप से जो है वो पेंटिंग में मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है, त्रिआयामी थोड़ी नहीं होगा। रसमाला किसने लिखी थी? सोमेश्वर, सर्वेश्वर, वात्स्यायन या फिर कुमार स्वामी? रसमाला किसकी है? बताइए, सोमेश्वर की। देखिए इस क्वेश्चन का मैं एक बार और आप लोग को ट्रूथली बता दे रही हूँ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सही कराया गया है कहीं कहीं पर डॉक्टर सी राम गोपालाचारी को, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही सही होंगे। गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। रसमाला किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर। कौन भारतीय है, कौन से चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे 1954 में? नंदलाल बोस। हमजा नामक का सचित्रीकरण किसने करवाया था? हमजा नामक अकबर ने कंप्लीट कराया, शुरू तो हुमायूं के समय से हो गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान का स्थापना हुआ था 1961 में कहाँ पर? पुणे, मुंबई, ट्रांबे या फिर हैदराबाद? यहाँ पर कभी एग्जामिनर मुंबई से कराते, कभी पुणे, कभी ट्रांबे, तीनों अब ऑप्शन में है, तो नियर अबाउट जब एग्जाम में तीनों रहेगा तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे बताइए? तो फिर आप ट्रांबे को सही करेंगे। वेरी गुड, सिरजू एंड पुनील राइट आंसर आपको होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार हैं? बी एन आर्या, मदनलाल नागर, सीटी लिटिल या फिर आर पी लक्ष्मण?
आरके लक्ष्मण ही वॉज वेरी पॉपुलर प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र इज द सिंबल ऑफ मोमेंटेबल कंटिन्यूअसली मीन्स निरंतर गति का। द थिंकर वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर डन बाय ऑगस्ट रॉडिन को रोंदा कहा जाता है। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी। फ्यूचरिज्म में जिसमें मूवमेंट होता है गति, तो फ्यूचरिज्म में कहाँ पर एक्सप्लोर हो रहा होता है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर हॉलैंड। तो आप लोग को ऑलरेडी पता है 1910 से लेकर के 1917 तक फिलिपो टोमेसो मारिनेटी एक्सप्लोर होता है इटली। बाकी कितनी गुफाएं हैं? ग्रीक गुफा, पांच पांडव, हाथीखाना, रंगमहल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान, 789 कम्प्लीटली क्लोज होने के कारण इनका कोई नाम ही नहीं पड़ा था। तो बाग में ऑलमोस्ट 9 गुफाएं हैं। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल आपको बताना है। चौथी शताब्दी, सातवीं शताब्दी, छठी शताब्दी, फिर आठवीं शताब्दी। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल आपको बताना है। दैट मीन्स देखिए 200 से 300 हो जाएगा आपको। केव नंबर 9, 10, 16, 17 कहा जाता है। 350 से लेकर 500 तक का, फिर 500 से लेकर के 628 में सातवीं शती एक का निर्माण। क्लियर? ठीक है, सृजु, पुनीत, रागिनी, आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थापित है? बताइए, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव है उत्तरवासन, खजुराहो बाग या फिर जोगी मारा? खजुराहो। उदयगिरी की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित कला का प्रयोग हुआ था? बौद्ध, हिंदू, ईसाई या फिर जैन? उदयगिरी की गुफाएं, क्या आंसर कर रहे हैं आप? उदयगिरी की जो गुफा है ये हिंदू रिलीजियस को फॉलो करता है, गुप्त काल का है, विदिशा में है। अगर आपसे उदयगिरी और खंडगिरी का पूछ लिया जाए, जैन रिलीजियस को फॉलो कर रहे होते हैं, उड़ीसा में है। बौद्धि वृक्ष क्या है? बौद्धि वृक्ष किसका वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, बनियान ट्री। ज्योति भट्ट किस विधा के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है? प्रिंटिंग, मूर्ति कला, संगीत या फिर प्रिंट मेकिंग? तो ज्योति भट्ट से रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है प्रिंट मेकिंग, राइट। विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? होमर, नाइटिंगेल, मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर मस्तनबी? इनका है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तीजन बाई क्या थी? शी वॉज वेरी पॉपुलर फोक सिंगर, लोक गायिका थी। ठीक है, लोक गायिका। गांधारा कला किसके समय पनपी थी? शाक्य, मौर्य, कुषाण या फिर सुंग? गांधारा मथुरा और कुषाण काल के शिक्षण से ना, मथुरा और गांधारा। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। देविका रानी रोरिक को दादा साहब फाल्के अवार्ड से अवार्डेड किया गया था। एंड फैज अहमद फैज कौन थे? ये एक शायरकार थे। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तोरण, जेड अवेस्टर, कुरान या फिर गीता? चलिए मैं नीचे से दो इलिमिनेट कर देती हूँ, कुरान मुस्लिम कम्युनिटी, गीता हिंदू। जेड अवेस्टर होगा या फिर तोरण होगा पारसियों का, बताइए। अरे वाह, वेरी गुड, जिन्होंने बी आंसर किया उनका करेक्ट है जेड अवेस्टर। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अश्वसेन या फिर वर्धमान? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जिनको सवारी वृषभ आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भिक्षुक बुद्ध की जो पेंटिंग्स मिली हैं वो कौन से केव में मिली हैं? केव नंबर 17 ऑफ अजंता, अजंता की गुफा नंबर 17 में। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की है? गबन गोदान, तितली घोड़ा। देखिए, गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, तितली जो है वो आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है।
2 दिन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन थे या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन? नीचे से मैं 2 एलिमिनेट कर देती हूँ, बिल क्लिंट और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। बताइए क्या बता रहे हैं, अब्राहम लिंकन या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन? बिल्कुल जॉर्ज वॉशिंगटन। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मैसिनराम में। मंडी और झंगोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मंडी और झंगोर ये गोवा की लोक कला है। महात्मा गांधी की मदर, उनका नेम क्या था? उनको कहते हैं ना पुतली बाई, उनका नाम था। अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि उत्कृति? ब्राह्मी, देवनागरी, पाली, अभी सांस्कृतिक, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। मौर्य काल में बेसिकली 4 लिपियां फेमस है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्माइक। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी हुआ करते हैं? प्रभाववाद, फाववाद, अति यथार्थवाद या फिर घनवाद? हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? प्रभाववाद, फाववाद, अति यथार्थवाद, तो ये बिलोंग करते हैं फेविज्म आर्ट मूवमेंट से। 1900 से 1910 तक ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर होता है। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता था? अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा जाता था। ठीक है जी, बिल्कुल सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियां, बेसिकली कलरफुल जो ग्लास विंडो यूज किया गया है उसमें ऑक्साइड कलर्स अप्लाई किए गए थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। बताइए जी, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो इनको मुंबईयान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदनलाल मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, शांति निकेतन। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर तो बंगाल स्कूल के फाउंडर है, लेकिन 1901 में बीरभूमि पर रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके फादर ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस प्लेस स्पेस लिया था। फिर 1901 में शांति निकेतन, फिर 1919 में कला भवन, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, रागिनी सेजू नीलम। क्लियर, आगे बढ़े फिर। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से अवार्डेड किया गया था? उर्वशी। कांगड़ा शैली के चित्रों का मेनली मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता है? राधा कृष्ण से रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। सुमित्रा नंदन पंत थे कौन? तो एक कवि, इनको आप हिंदी के लिए क्लास में 8th में ही पढ़े होंगे, 8th 10th 12th। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? पुणे में 1961 में। वह कौन से एलिमेंट्स है, कौन से तत्व हैं जिनके अभाव में पेंटिंग्स आप नहीं कर सकते हो? तो वो है धरातल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धरातल को स्थान कहते हैं। अभिलाषिता चिंतामणि सोमेश्वर का है स्थान निरपेक्ष कहते हैं। और सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज का है, यहाँ पर भूमि बंधन कहा जाता है स्थान को। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ पर खुली थी? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई? बताइए क्या आंसर कर रहे हैं सभी लोग। ओके 102 का बेंगलुरु जी, दूसरी शाखा बेंगलुरु। वैसे खोला तो कई जगह गया था लेकिन बेंगलुरु को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी के बॉल लगने से उनकी डेथ हो जाती है? फिलिप ह्यूज, उसेन बोल्ट, सैन ह्यूज या फिर जैक कलिंस? आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सिजू सेस की फिलिप ह्यूज। यस एग्जैक्टली फिलिप ह्यूज। रेड क्लिफ रेखा किस देश को शो करती है? माइग्रेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो डिवाइडेशन हुआ था भारत और पाकिस्तान के लाइन्स।
रंगीन कांच की खिड़कियों का आरंभ जो हुआ है वो गॉथिक स्कूल में, गॉथिक शैली में हुआ है। राग दीपक, रागिनी भैरू, मोस्टली पेंटिंग बूंदी शैली में आपको देखने को मिलेंगी। अंग्रेजी, सॉरी, अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? अंजलि इला मेनन एक छापाकार थी, चित्रकार, व्यंग चित्रकार या फिर नृत्यकार? तो आपको ऑलरेडी पता है कि अंजलि इला मेनन एक फेमस आर्टिस्ट कही जाएंगी ना, राइट? जी बिल्कुल, चित्रकार कही जाएंगी। ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, शी वॉज वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट, चित्रकार है। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की भूमिका किसने निभाई थी? ओम पुरी ने या फिर ओम शिवपुरी ने? ऑप्शन में सी है और डी है, बताएं कौन सा सही हो जाजाएगा। पुनीत, रागिनी, सेजो, साजदा, नीलम। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दो है, एक जस्ट ओनली ओम पुरी है और दूसरा ओम पुरी शिव ओम शिवपुरी है, तो ध्यान रखिएगा ओम पुरी ने भूमिका निभाई। वैशाली की नरवधु उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नरवधु उपन्यास भारती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र या फिर फिरका गोरखपुरी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री? वैशाली की नरवधु उपन्यास के राइटर पूछे गए हैं। डी, नीलम, नीलम सेज डी राइट आंसर। जी बिल्कुल, चतुर्सेन शास्त्री है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर बने हैं वो चंदेल शासकों के थ्रू, क्योंकि चंदेल का ही उस टाइम ड्यूरेशन में चंदेल डायनेस्टी उन्हीं का वही राजा थे। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? तो कैलाशनाथ टेम्पल वेरी पॉपुलर, कहाँ स्थित है? एलोरा के केव नंबर 16 में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थापित अवस्थित? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? भीमबेटका की गुफाएं स्थापित हैं एमपी, मध्य प्रदेश में, जिसकी खोज उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किए थे। 600 केव्स है, 275 पेंटिंग्स है, 2003 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। एनके मिश्र जाने जाते हैं, वाई वॉज वेरी पॉपुलर, लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला, वॉश चित्रकला या फिर कलमकारी के लिए? एनके मिश्र किस लिए फेमस है बेटा? वॉश पेंटिंग के लिए। जी बिल्कुल, वॉश चित्रण के लिए जाने जाते हैं। मूर्तिकार, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों में आपको प्रसिद्धि देखने को मिलेगी? आर्काइक मुस्कान में से एक मिस्टर स्माइल, ग्रीक स्कल्पचर्स में, ग्रीक की मूर्तियां। पोथी चित्रण का जो स्टार्टिंग हुआ है वो कौन सी शैली में हुआ था? पोथी चित्रण पाल स्कूल में। इंडियन स्कल्पचर्स एंड आइकोनोग्राफी स्थपति वी गणपति, गणपति वी स्थपति स्कल्पचर आर्टिस्ट, ये एक इन्हीं की बुक है। रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई थी? एम एफ हुसैन की लाइफ पर। तारपिन के तेल पर ऑयल कलर्स पेंटिंग तैयार किया गया था? बाइंडर के रूप में, रंग में चमक लाने के लिए, रंग को पतला करने के लिए। कैंसर कर रहे हैं, रंग जो है वो थिकनेस एज ए बाइंडर का काम करता है या फिर रंग को पतला करने के लिए? कितने स्टूडेंट का कहना है कि रंग को पतला करने के लिए? पुनीत एंड नीलम, वेरी गुड, एग्जैक्टली, जो कलर्स की थिकनेस होता है उसको थोड़ा सा लूज फॉर्म में करता है, ना कि बाइंडर, बाइंडर का काम थिक थोड़ी नहीं करता है, लूज करता है। सम्राट जहांगीर के प्रिय चित्रकार, आपसे प्रिय चित्रकार पूछे जा रहे हैं, प्रिय चित्रकार ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसको मानते थे? जहांगीर अबुल हसन को, जिन्होंने अपने स्वयं जहांगीर नामा में मेंशन भी किया है, और सर्वश्रेष्ठ मंसूर को, जब ये ऑप्शन में नहीं होते देन मंसूर सही होते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हाँ, बिल्कुल, रागिनी, अबुल हसन नहीं होते हैं तो फिर इनको करा दिया जाता है। एग्जैक्टली, देखिए, भारत रत्न पाने वाले प्रथम हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के। लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया थे किसने कराया था? यायति केशरी ने। पिछवाई पेंटिंग वेरी पॉपुलर, एक लोक कला है, कहाँ की?
पिछवाई है राजस्थान की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट स्क्रीन, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। और आपकी एक इवनिंग क्लास होगी शाम 7:15 पर, 7:30 का टारगेट बना के चलिए। ये क्लासेस आपकी होंगी मेरे विजुअल VISUAL आर्ट्स IQ।